guys, happy Thursday to you. Welcome to Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री. And my name is Kunal Saluja. भाई ये है एक ऐसी जगह जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें, सोशल मीडिया बज एंड लॉट मोर. एब्सोल्युटली. लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. क्या सलमान खान और संजय लीला भंसाली फिर आएंगे साथ? क्या दीपिका पादुकोण ने शुरू कर दी है शादी की शॉपिंग? आलिया भट्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर दिया बड़ा बयान. क्या ईशा गुप्ता को डेट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या? भाई फैंस के लिए है खुशखबरी, सलमान खान और संजय लीला भंसाली एक लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर आ सकते हैं साथ में. सलमान सालों बाद एक बार फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म में आ सकते हैं नजर. सलमान आजकल रेस 3 के प्रमोशंस में लगे हैं. अपार्ट फ्रॉम रेस 3, सलमान हैज एन इंटरेस्टिंग लाइनअप इंक्लूडिंग फिल्म्स लाइक भारत, किक 2, दबंग 3, अ डांस फिल्म विद रेमो डिसूजा. लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में काम करने से पहले ये स्पेकुलेशंस हैं कि सलमान संजय लीला भंसाली की फिल्म कर सकते हैं. इस बात का हिंट उन्होंने एक रीसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान दिया, जब सलमान से उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, द फिल्म्स हैपनिंग आर भरत, दबंग, शेर खान, द डांस फिल्म, किक 2 व्हेन द स्क्रिप्ट इज रेडी, एंड देन क्विप, अ संजय लीला भंसाली फिल्म व्हेन ही कम्स एंड नरेट्स इट टू मी. वेल, सलमान के फैंस के लिए ये खबर किसी ट्रीट से कम नहीं होगी, जो लंबे वक्त से उनकी संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. सलमान खान के इस मीडिया इंटरेक्शन से तो यही लगता है कि शायद संजय लीला भंसाली और सलमान खान आ सकते हैं एक साथ. यार काफी साल पहले जो है स्पेकुलेट किया जा रहा था कि बड़ा फॉलआउट हुआ इन दोनों के बीच. और फॉलआउट का कारण भी ये था कि जब मिस्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी पहली पिक्चर की थी खामोशी, जिसमें सलमान खान थे, वो पिक्चर इतना काम कर नहीं पाई. सबने साथ छोड़ दिया था लेकिन सलमान खान ने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि एक बार जब वो किसी के साथ कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर कर ही देते हैं. उसके बाद पिक्चर आई हम दिल दे चुके सनम, जो कि बहुत बड़ी हिट रही आज तक. मतलब लोग उस पिक्चर की तारीफें करते हैं. फॉलआउट इसलिए हुआ क्योंकि जब संजय लीला भंसाली अपने करियर की हाइट पे थे ऐसा लोग कहते हैं, तो उन्होंने देवदास बनाए. अच्छा. उसमें सलमान खान को नहीं लिया, लिया शाहरुख खान को. और वो मूवी हुई थी सुपर हिट. सुपर हिट. और तुम्हें याद है हम दिल दे चुके सनम के टाइम पे ही संजय लीला भंसाली ने सोच लिया था बाजीराव मस्तानी बनाएंगे सलमान और ऐश्वर्या के साथ. ऑब्वियसली इतने सालों बाद वो हो नहीं पाया फॉर सम रीजंस. लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ ये है कि सलमान खान ने एक बार संजय लीला भंसाली को क्रिस्टोफर नोलन की डीवीडी गिफ्ट की थी द प्रेस्टीज मूवी की, एंड वहां से स्टेम हुआ था गुजारिश मूवी का कॉन्सेप्ट. वहां से वो इंस्पायर हुए थे लेकिन गुजारिश मूवी बनाई किसके साथ? ऋतिक रोशन के साथ. यार इससे पहले भी सब सही हो गया था. सो देवदास के टाइम जब फॉलआउट हुआ, जब शाहरुख खान को ले लिया था उसमें, उसके बाद भी कुछ हद तक इनके बीच का रिलेशनशिप सही हो गया था क्योंकि सावरिया में कैमियो किया था सलमान खान ने. लेकिन जब गुजारिश में सलमान खान को फिर नहीं लिया तब भाई का ईगो हर्ट हो गया. और फिर अवार्ड फंक्शंस में उन्होंने जो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर टारगेट किया है उस मूवी को, पिक्चर में तो मक्खी उड़ दी थी, मच्छर तक नहीं देखने गया. ऐसा मैं नहीं, सलमान खान ने कहा था. एब्सोल्युटली. तो ये सब था पूरा बैकग्राउंड इन दोनों के रिलेशनशिप का, और वो कब फिर बाद में ठीक हुआ ही नहीं. लेकिन अब सलमान खान कहते हैं कि अगर संजय लीला भंसाली मुझे फिल्म नरेट करेंगे तो मैं वो फिल्म कर सकता हूँ. विच मीन्स दैट जितने भी फॉलआउट्स हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अवार्ड फंक्शंस पे टारगेट किया संजय लीला भंसाली को, आई थिंक उस दौरान ही वाज काइंड ऑफ अ लिटिल इमैच्योर और मोर सो पोजेसिव. मिस्टर खान का ना उस समय एक फेज चल रहा था, बहुत सारे केसेस में घिरे हुए थे, और जैसा कि आपने कहा थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज्यादा, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम, और ऐसा होता था कि जो मेरे साथ काम कर रहा है वो सिर्फ मेरे साथ ही काम करेगा, वो किसी और के साथ अगर काम करेगा तो मेरा ईगो हर्ट कर रहा है. राइट, एग्जैक्टली. तो यहाँ पर सलमान खान कैंप जो होता था, क्लोज निट सर्कल होता था, हम एक फैमिली की तरह. इमोशनल है सलमान खान थोड़े, बट लुक्स लाइक ही इज नाउ ऑल मैच्योर्ड, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम कम टुगेदर एंड डू अ फिल्म. हमारे पास जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स है उससे तो यही हिंट मिल रहा है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शायद सच में जल्द कर सकते हैं शादी. बी टाउन के वन ऑफ द हॉटेस्ट लव बर्ड्स रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी वेडिंग के रूमर्स को लेकर लगातार हेडलाइंस में हैं। बताया जा रहा है कि नवंबर में ये दोनों ले सकते हैं सात फेरे, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है. अपेरेंटली दीपिका ने तो वेडिंग के लिए अभी से शॉपिंग शुरू कर दी है. खबरें और भी तेज हो गई जब रिसेंटली दीपिका को मुंबई के एक ज्वेलर शॉप में अपनी मॉम के साथ स्पॉट किया गया. कहा जा रहा है कि दीपिका अपनी मॉम के साथ शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने गई थी. वेल, लगता है दीपिका रणवीर की शादी की तारीख वाकई नजदीक आ गई है.
डे बाय डे कुणाल, जो ये रूमर्स है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस साल के एंड में शादी करने वाले हैं, वो पक्की होती जा रही है। अब मॉम के साथ बांद्रा ज्वेलरी शॉपिंग करने, यार आई डोंट बिलीव दिस। आई मीन दोनों अपने करियर के इतने पीक पे हैं। दीपिका पादुकोण के बारे में एक स्टोरी भी आई थी, भी कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी सुपर हीरो मूवी करने वाली है जिसका बजट 300 करोड़ है। रणवीर सिंह अपने करियर के पीक पे है, अभी क्यों करेंगे वो शादी? There are so many rumors that support it. पहले तो दीपिका पादुकोण ने अपने पूरी स्टाफ को कहा है कि आप लोग छुट्टी नहीं लेंगे ईयर एंड में। That was the speculations. Now रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण both meet with families, go out for lunches, go out for shopping. So everyone knows दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह are dating. अगर फैमिली वाले एक साथ लंच कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर मम्मी के साथ ज्वेलरी खरीदने चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी करने वाले। बट रिसेंटली हमने न्यूज दी थी कि रणवीर सिंह ने शायद अपने फ्रेंड्स को कहा है कि Yes, we are getting married. Plus, Anil Kapoor और दीपिका पादुकोण का एक विजुअल सामने आया था where she was seen blushing and थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे सुनाई दे रहा था। Anil Kapoor is like, are you really getting married? And दीपिका पादुकोण blushes and says yes. ये सारा कुछ हमने दिखाया है अपने audience को। But ऐसा कहा जा रहा है, This is not sure, okay? I mean, दोनों अपने करियर के पीक पे हैं, दोनों के पास इतने projects lined up हैं, अभी क्यों करेंगे वो शादी? ये मैरिज के जो है ये सिर्फ रूमर्स है हर जगह। बट बेस्ट पार्ट ये है कि #दीपवीर वो साथ में है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। वरना अभी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसे कपल हैं जो कि कपल गोल्स बिल्कुल भी नहीं देते। दे आर लिविंग इन अ मैरिज ऑफ क्या कहें, हाँ ये कन्वीनियंस की मैरिज है। चलो भाई चल रही है गाड़ी, तब तक धकाते रहो। बट वी आर रूटिंग फॉर यू रणवीर एंड दीपिका। कुणाल, आलिया भट्ट ने रिसेंटली शादी को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया है जिसे सुनकर फैंस का दिल शायद टूट सकता है। रणबीर और आलिया के अलेजेड रिलेशनशिप की न्यूज के बीच अब आलिया ने मैरिज पर बिग स्टेटमेंट देकर इस न्यूज को और भी गर्म कर दिया है। आलिया भट्ट ने एक नेशनल डेली से बात करते हुए मैरिज के डिसीजन पर कहा, नथिंग इज कास्ट इन स्टोन राइट, सो इफ आई फील दैट आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई वांट टू टेक सच अ स्टेप देन आई विल। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई वुड गेट मैरिड बिकॉज ऑफ किड्स। So if I'm like, this is the time I want to have my children and I'm also ready to have babies, I will get married. आलिया ने शादी की डेडलाइन पर बात करते हुए ये भी क्लियर किया कि वो लिव इन में नहीं रहना चाहती। आलिया said, yes, I've not set any deadline because it doesn't really matter. I may be like, listen, I love you, so let's get married and live together, but I will still work. So I may get married just to live with that person. It's also because I don't want to be in a live-in relationship. I don't want to live with someone until I get married. So marriage may happen for that reason. देखो रिसेंटली रणबीर की सिस्टर ने रिधिमा कपूर ने आलिया भट्ट को दिया था एक ब्रेसलेट कस्टमाइज्ड। अब आलिया भट्ट रणबीर की नीस को दे रही है गिफ्ट, तो मुझे लगता है जून में दिवाली यहाँ पर मननी शुरू हो चुकी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये गिफ्ट्स के बारे में पता कैसे चलता है? सोशल मीडिया पर सेलेब्स खुद पोस्ट करते हैं जी। अब वो ऐसा खुद क्यों पोस्ट कर रहे हैं? ताकि बातें हो पब्लिकली, ओ इनके बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, अच्छा इनके बीच में कुछ चल रहा है, और ये सब किसके आजू बाजू हो रहा है? ब्रह्मास्त्र के। तो ये नो यार, आई डोंट वांट टू बिलीव ऑल दैट। आई थिंक एक एक्साइटमेंट होती है ना कि आपने आपको गिफ्ट दिया, यू वांट टू लाइक काइंड ऑफ शेयर इट विद योर फैंस। नाउ दैट्स द ट्रेंड बिकॉज़ सोशल मीडिया हैज जस्ट बिकम लाइक दैट। यू अच्छा, मैं एक और चीज से आपको प्रूव करता हूँ। रणबीर कपूर का ना अभी जो लास्ट करियर चला है इतना कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। अब पिक्चर्स आ रही है तगड़ी तगड़ी वाली, जैसे संजू आ रही है, शमशेरा आ रही है। अच्छा आलिया भट्ट के करियर में भी ना एक पैटर्न रहा है, जो मूवी करती है उस मूवी के को स्टार के साथ उनके रूमर्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर टू स्टेट्स, उसमें भी करण जौहर प्रोड्यूसर थे। उसके बाद बटन वरुण धवन हमटी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें भी करण जौहर प्रोड्यूसर थे। आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर नाउ ब्रह्मास्त्र, और इसमें भी करण जौहर प्रोड्यूसर हैं। बट नॉट टू फॉरगेट रणबीर कपूर स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है, इट्स टू न्यू टू टॉक अबाउट इट, आवर रिलेशनशिप नीड्स टाइम टू ब्रीद एंड नीड्स स्पेस। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र आने वाली है। करण जौहर ने खुद एकदम सारी जिम्मेदारी उठा ली है कि भाई रणबीर का करियर जो अभी थोड़े टाइम से नहीं चल रहा था, अब संजू आने वाली है, शमशेरा आने वाली है,
तो अब उन्होंने खुद सारी जिम्मेदारी उठा लिया कि बॉस अब तो मामला सेट करके ही रहूंगा मैं। यहाँ पर रणबीर कपूर ने एटलीस्ट पब्लिकली एक्सप्रेस किया है एंड आई थिंक बोथ दीज एक्टर्स हैव एक्चुअली लर्न्ड फ्रॉम देयर पास्ट रिलेशनशिप्स एंड हैव बिकम मोर मैच्योर्ड नाउ कि वो सामने आकर बात कर रहे हैं। बट मुझे आलिया का जो रिसेंट उन्होंने शादी के बारे में कहा ना दैट यू नो मैं जिस दिन बच्चों के लिए रेडी रहूंगी या फिर मुझे कोई इंसान बहुत ज्यादा पसंद है और उसके साथ मैं लाइफ बिताना चाहता हूँ, आई विल से लिसन आई लव यू एंड आई वांट टू स्टे विद यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड बट मैं काम फिर भी करूंगी। इनफैक्ट आलिया भट्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी एक स्टेटमेंट दिया है कहते हुए दैट यू नो आई डोंट बिलीव इन अ लिव इन रिलेशनशिप एंड इफ आई लाइक समबडी आई विल गेट मैरिड विद अ पर्सन एंड लिव विद हिम। भारतीय संस्कृति ब्रो, जोक्स अबाउट यू नो दिस इज अ वेरी कूल थिंग, मतलब अगर आपको कोई पसंद है एंड यू वांट टू स्टे विद दैट पर्सन फॉरएवर देन व्हाई नॉट टू गेट मैरिड। बट लाइक आई ऑलवेज से रणबीर कपूर जब भी कुछ भी इंटरव्यू या बयान देते हैं वो दिल से देते हैं, या तो वो उसे ऑनेस्टली कहते हैं या तो फिर कहते हैं कि नो कमेंट्स आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एंड ही हैज स्पोकन अबाउट himself and Alia Bhatt in a very positive light where he says that yes we're together but we need some time and space. I feel agar aap relationship mein ho to bhai khullam khulla aao, jaise ki it's Deepveer, Deepika Padukone and Ranveer Singh, agar us tarah se aake kuch publicly express kar rahe ho na to main maan sakta hu ki ha boss yahan pe kuch chal raha hai. #AliaOnMarriage par Malkhan ka kehna hai क्या सही बोल रही है यार, frankly ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पर मीरा आसिफ कहती है she should get married little late, I mean it's her choice but she should not leave film industry, don't worry वो कहीं नहीं जा रही, उन्होंने खुद कहा है ये। रणवीर सिंह और सारा अली खान का एक रीसेंट वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल, let's have a look। रणवीर सिंह सारा अली खान स्टारर सिम्बा की शूटिंग हो गई है शुरू। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की रिलीज डेट को रिसेंटली फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने ट्वीट करते हुए किया अनाउंस। करण रोट विंटर जस्ट गॉट हॉटर दिस दिसंबर 28th 2018 #Simba डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी स्टारिंग एट रणवीर ऑफिशियल एंड #सारा अली खान। वहीं रणवीर और सारा का एक वीडियो भी हो रहा है तेजी से वायरल, जिसमें रणवीर सिंह खुद को सबके सामने मराठी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज 3-स्टार पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव। इस दौरान सिम्बा के डायलॉग को रिवील करने के लिए डायरेक्टर रोहित शेट्टी रणवीर सिंह की क्लास लेने लगते हैं, जिसके बाद सारा की एंट्री होती है। रोहित सारा को उनकी मॉम के नाम से चिढ़ाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। 3-स्टार पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव, जो दे तो त्रास त्या चमी घे तो क्लास। पागल हो गया, फिल्म का डायलॉग क्यों बोल रहे हैं यार? अरे सर वो करण ने। हाँ सिंह, अमृता सेट आए। आइला अमृता सिंह। All that madness and more, 28 December at the theater near you, Simba. Well, रणवीर के फैंस उनका ये नया अवतार देखने के लिए हैं बेहद एक्साइटेड। यार बहुत ही मजेदार वीडियो, आई थिंक इट्स अ वेरी कूल वे टू एक्चुअली ब्रिंग आउट द फर्स्ट लुक ऑफ योर फिल्म। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की, जो पीछे सेट था ना वो एक्चुअली में सिंघम 3 का ही लग रहा था, लगता है रोहित शेट्टी साहब ने एक सेट बनाया उस पे सिम्बा बनाएंगे फिर सिंघम 3 शूट कर लेंगे। नहीं, दैट इज व्हाई द वीडियो इज ऑल अबाउट, इट्स एक्चुअली अ फनी टेक। बट यार रणवीर सिंह, ही इज लुकिंग सो शार्प, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद हिज लुक। मैं बता रहा हूं, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो, आप बोलेंगे मूछे हो तो भाई रणवीर सिंह जैसी हो। बिल्कुल, अजय देवगन को भी टक्कर दे रहे ये तो मैं बिल्कुल कहूंगी। और सारा अली खान भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही, शी इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट इवन इफ इट वाज लाइक अ 30-second वीडियो। पर वो सारा अली खान नहीं थी, वो तो अमृता सिंह थी यार, इट वाज अ जोक इन द वीडियो, कम ऑन। और मुझे तो लगता पता ही नहीं था। ऑलराइट, नो बट यू नो व्हाट, द ट्रेंड इज चेंजिंग। जिस तरीके से पहले यू नो फर्स्ट लुक होता था तो मीडिया वीडिया लॉन्च होता था, प्रेस को बुलाया जाता था, आजकल एक सोशल मीडिया पर आप मिलकर एक फनी वीडियो डाल दो एंड दैट्स योर फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म, व्हिच इज एक्चुअली वेरी कूल। दैट्स व्हाट सोशल मीडिया हैज डन फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। ओके, वो जो आप मराठी में डायलॉग था, आपको मराठी बहुत अच्छे से आती है, बिल्कुल। सो आई वॉन्ट टू सी सागरिका saying that रणवीर सिंह वाला डायलॉग, जो माला दे तो त्रास त्याचा मी घेतो क्लास। वेल, एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, हार्दिक पंड्या का नाम एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। एक और आइए देखते हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। एली अब्रम के बाद हार्दिक का नाम बी टाउन की हॉट एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के साथ जोड़ा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नाउ, द क्रिकेटर ड्रू क्लोजर टू एक्ट्रेस ईशा गुप्ता एंड व्हाट स्टार्टेड एज अ मेयर चैट हैज नाउ एंडेड अप विद अ डुओ डेटिंग ईच अदर।
बताया जा रहा है कि ये दोनों अभी इस बडिंग रोमांस को सीक्रेट रखना चाहते हैं एंड दे वांट टू सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। हमने ईशा की टीम से इस न्यूज पर उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की जिस पर उनका अभी तक रिएक्शन नहीं आया। सो आफ्टर एली एवराम, लीशा शर्मा, उर्वशी रोटेला, करीब करीब परिणीति चोपड़ा एंड दिस टाइम इट्स ईशा गुप्ता। भाई ये बंदा बॉलीवुड की सारी डिवास का जो क्राइटेरिया है ना एक बॉयफ्रेंड का, ये फुलफिल करता है। व्हाट क्राइटेरिया? टॉल, डार्क, हैंडसम एंड ऊपर से क्रिकेटर, ऑब्वियसली एंड अ सक्सेसफुल क्रिकेटर। बट यू नो अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उर्वशी रोटेला तक फिर भी मुझे एक्साइटमेंट थी, ओ इज दिस रियली हैपनिंग। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ ना एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की पिक्चर अगर बाहर आती है तो बस उनका लिंकअप रूमर शुरू हो जाता है। आई थिंक दैट्स अ बिट अनफेयर। इनफैक्ट वैलेंटाइंस डे पर हार्दिक पांड्या ने खुद एक मैसेज किया था, आई एम सिंगल, आई एम फोकसिंग ऑन माई क्रिकेट एंड डू नॉट यू नो टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड डू दिस रूमर्स थिंग बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। पर अगर है भी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन ही इज यंग एंड द एक्ट्रेस आर आल्सो यंग। अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ ठीक है, बट एक पिक्चर आ जाती है सोशल मीडिया पर और उनका बस लिंकअप शुरू कर देते हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। देखो लेकिन एली एवराम के साथ तो पिक्चर वाला नहीं था ना। एली एवराम तो शादी में भी गई थी उनके फैमिली में और कोई बॉलीवुड से नहीं था, इसलिए तब तक मेरी एक्साइटमेंट बिल्ड थी। बट अब ईशा गुप्ता के साथ जो ये खबरें आ रही है, आई थिंक इट्स अ लिटिल टू हाइप्ड हियर। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईशा गुप्ता के बाद हार्दिक पांड्या का किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ा जाएगा। ईशा गुप्ता की बात कर रहे हैं तो शी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा होता है वो उसके ऊपर आके बात करती हैं। लेकिन जब हार्दिक पांड्या से उनके इस रूमर्ड रिलेशनशिप के बारे में बात हुई, उनकी पीआर टीम से पूछा गया दैट आर दे टुगेदर, तो अभी तक तो इस पे कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। सो अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा जल्दी। और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी अगर ये नहीं है तो। हैशटैग हार्दिक ईशा लव में हमें काफी सारे ट्विटर पर कमेंट्स मिल रहे हैं और ट्वीट किया है करण ने कहते हुए, दे मे बी फ्रेंड्स आल्सो, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट ऑन देयर रिलेशनशिप, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। आई एग्री विद यू करण। भाई दो लोगों ने तो यहाँ पे कहा है, एक है करण शेट्टी और दूसरे हैं यश अग्रवाल। इन दोनों का कहना है दैट द पे इज गुड बट ईशा इज बिगर इन एज देन हार्दिक, सो आई डोंट थिंक दिस रिलेशनशिप विल रन वेरी लॉन्ग। लेकिन द बेस्ट वन इज निमेश, उन्होंने एली एवराम को टैग किया है एंड लिखा है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस न्यूज, करिश्मा कपूर की शादी की न्यूज पर उनके फादर रणधीर कपूर ने दिया एक बड़ा बयान। करिश्मा कपूर का संजय कपूर के साथ हुआ था अगली डिवोर्स। अब पिछले कुछ दिनों से करिश्मा बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल के साथ अलेजेड रिलेशनशिप की वजह से न्यूज में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि करिश्मा और संदीप जल्द ही शादी कर सकते हैं। अब करिश्मा के फादर रणधीर कपूर ने करिश्मा की दूसरी शादी की खबरों को कर दिया है सिरे से खारिज। एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए रणधीर ने कहा कि देयर इज नो ट्रूथ टू दिस, आई वुड वांट टू गेट करिश्मा मैरिड अगेन बट शी इजंट इंटरेस्टेड, वी हैव स्पोकन अबाउट इट एंड शी हैज क्लियरली टोल्ड मी शी डजंट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली अगेन, शी वांट्स टू रेज हर किड्स समायरा एंड कियान वेल एंड दैट्स हर ओनली प्लान राइट नाउ। वेल करिश्मा के फादर रणधीर के स्टेटमेंट से उनकी शादी की खबरों पर शायद लग जाए फुल स्टॉप। आई थिंक इट्स रियली कूल जिस तरीके से रणधीर कपूर आए सामने और उन्होंने बिल्कुल सारे रूमर्स पर एक फुल स्टॉप ऑलमोस्ट लगा दिया है। उनका आना जरूरी भी था बिकॉज करिश्मा कपूर एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, वो कभी पब्लिकली आके क्लियर नहीं करती दैट यू नो शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग बहुत स्पेकुलेट करते हैं। एंड रणधीर कपूर साहब क्लियरली सामने आया और उन्होंने कहा कि बॉस शी सिंगल राइट नाउ एंड उनकी चॉइस है, शी वांट टू डेट समवन और शी वांट टू गेट मैरिड। एब्सोल्युटली। सो अगर वो कुछ भी करना चाहती हैं द फैमिली इज ऑलवेज देयर फॉर। आई थिंक इट्स वेरी प्रोग्रेसिव ऑफ रणधीर कपूर एंड आई थिंक एवरी डैड इन आवर कंट्री शुड बी लाइक दैट, सपोर्ट द गर्ल। अब करिश्मा कपूर वांट्स टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ हर किड्स एंड स्पेंड टाइम विद देम, शी हैज गॉन थ्रू अ बैड ब्रेकअप, अ बैड डिवोर्स एंड नाउ शी वांट्स टू टेक हर टाइम ऑफ, शी वांट्स टू बी सिंगल, एंजॉय हर लाइफ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक इट्स रियली कूल एंड एवरी फादर इन द कंट्री शुड एक्चुअली सपोर्ट देयर गर्ल्स एंड देयर डॉटर्स इन द सिमिलर वे रणधीर कपूर हैज डन। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट वी विल बी बैक विद सम मोर बॉलीवुड न्यूज़, स्टे ट्यून्ड। To talk about fashion and style, हमारी celebrities recently spot किए गए at different places. First of all, let's talk about Deepika Padukone. यार वो मुझे बहुत pretty लगी. She was spotted getting out of a restaurant and she was seen in a very casual, chic, desi avatar. She wore a pink kurta and dupatta and I loved her undone hair.
Well, Kareena Kapoor dekhi airport pe, she was wearing a Gucci white sweatshirt with black track pants, jis pe side stripes the. And also she paired it with white sneakers and big black glasses. And recently Neha Dhupia ne ek close friends ke liye ek party rakhi thi, jahan mera favorite look tha Soha Ali Khan ka. Wahan par she was seen wearing a floral maxi dress with puffed sleeves and front slit. काफी interesting sequence था उनके top पर और उनके साथ कुणाल खेमू भी दिखे बहुत ही cool अंदाज में with blue shirt, cool denims, both look really good together. And इसी party में करण जौहर भी दिखे, he was wearing floral printed jacket with white t-shirt and black denims and he paired it with black chunky shoes. तो Zoom and Myntra give them all a big thumbs up for the looks. It's time to now have a look at our special story. जब वो दोनों फ्लर्ट भी करते थे ना तब भी आ रहे उनके साथ. Myntra presents The Reunion Saturday 7:30 PM. Hey guys, this brings us to our end of our episode on Planet Bollywood. Lekin jaane se pehle aapko bata de about our outfits of the day. Well, I have chosen to wear a layered crop bardo top from Forever 21 with a maroon pleated midi-like skirt and pink solid pumps to complete the look. Well, I'm wearing a blue slim casual blazer with the white and blue color blocked t-shirt and blue denims. And I'm also wearing these very nice white leather loafers. And if you like our looks, go check it out on Myntra.com. My name is Kunal Saluja. Yeh hai Sagrika Chhetri. Kal fir sham 7 baje hogi aapse mulaqat on Planet Bollywood. Till then, keep watching Zoom.